अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं मेकर डिफरेंस सोसाइटी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? ये कार्यक्रम तो हम नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे जरूरतमंदों को राशन पहुंचाना। ये जीने का सवाल है। आज जो संघर्ष जो कर रहे हैं वो लोग जो आजीविका जो डेली बेसिस पर कमाते थे या निशाए लोग हैं, हमने बेसिकली टारगेट किया जो विडो हैं, विधवा हैं, जिनके घर पर कोई कमाने का नहीं, रिसोर्सेज नहीं है कमाने के लिए, साधन नहीं है, उनको हमने प्रायोरिटी दी है। और उनके बच्चे भी जो 15 साल से छोटे हैं पहले, तो उनके पास जो सभी लोगों के सहयोग से वो हम सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप लोग लॉकडाउन के पहले बराबर काम कर रहे हैं, रात को देर रात तक जागना, सुबह जल्दी जगना, अभी आपको मानसिक इससे तो सभी जैसे आप लोगों का उत्साहवर्धन है और लोगों की वजह से, बाकी की जो हम लोगों के अंदर एनर्जी है जो सभी एक किसी व्यक्ति विशेष का हमारे यहाँ काम नहीं है, टीम वर्क है हमारा, सभी व्यक्ति जिनसे भी काम दिए जाए, कोई पैकिंग कर रहा है तो कोई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई पहुँचा रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, फंड ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारे लोग मिल के बखूबी से काम कर रहे हैं। इसके लिए सुबह मानसिक स्थिति से तैयार अपने आप को जब हम किसी को देते हैं राशन काम में, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता हमें मिलती है, उससे हमें दुगनी उत्साह काम करने के लिए मदद मिलती है। चिंतित तो सभी होते हैं लेकिन डर है, लेकिन कहते हैं अगर जो डर से पार आती है, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन यहाँ पे जैसे पत्रकार हैं, आपके प्रशासन है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं समाज के प्रति हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है थोड़ा अपना। मार रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है, शायद वो मानव नहीं है, वो मानव कहलाने लायक नहीं है। दे रहे हैं, अब आपको कैसा लग रहा है ये बताओ? बढ़िया लग रहा है, आपके दुआ है। अच्छा, देते जाए भैया, तुम्हें देते जाए भगवान। ये लोग दिन रात मेहनत करके आप जैसे लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहोगी? बढ़िया है, आशीर्वाद देंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।